के स्पेशल प्रोग्राम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल शांतनु। हम मौजूद हैं नगर पंचायत बासुकीनाथ में और यहां की क्या समस्याएं हैं और क्या विकास हुआ लोगों से जानेंगे। आखिर जनप्रतिनिधि तो वोट के माध्यम से चुनते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कितना कार्य करते हैं। आपको मिला है आवास, मिला है घर, मिला छा? हाँ, घर मिल रहा। और आरू आरू कोई फायदा सरकारी? क्या नंबर वार्ड से आवे छो? क्या नंबर वार्ड? 6 नंबर। के छो वार्ड पार्षद? 5-10। तो सरकारी क्या फायदा मिला है आपको? घर मिला है, राशन मिला है। अच्छा, पानी वानी का समस्या है क्या यहाँ पे? पानी नहीं, अभी नहीं, पानी का समस्या नहीं है। पेंशन उन्सन मिला है आपको? हमको पेंशन ना मिल रहा छो। कितना उम्र हो रहा छो? घर मिले पेंशन मिले हमारे घर मिले पेंशन ना मिल रहा। आवास तो मिला है लेकिन पेंशन नहीं मिला। उसका जो भी कारण रहा हो, वो जो भी कारण रहे, लेकिन सरकारी जो फायदा आवास वो मिला है। क्या मिला है आपको? घर मिला, पैसा मिले छ, पेंशन मिले छ। हाँ, आरू नगर पंचायत से की मिलना चाहिए? की मिलता? पानी ने हमका कष्ट होवे छ, कटी पानी दिया घर घर की देबो। नाली वाली छ? नाली बन रहल छ? नै बनल छ नाली? नै छ नाली, पानी आए बेसी दिक्कत। नाली चपा कर छन, नाली नै छन, झगड़ा हो छन नाली बस्ती में। पानी पानी झगड़ा है। स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जिसमें कि जंगल झाड़ उगा हुआ है। जब यहाँ रोड देख लीजिए, यहाँ बासुकीनाथ से दुमका चले जाइए, ऐसे 3-3 फीट तक गड्ढा रोड में होता है। बाइक से जा रहे थे, देखे काफ़ी दिनों बाद आए, देखे तो एकदम और जर्जर हो रहा है रोड सब। सरकार क्या कर रही है पता नहीं, खिलवाड़े तो कर देते चुनाव के टाइम में, ये देंगे वो देंगे, करने क्या कर रहा है देख ही रहे हो आप लोग। आप जाइए कहीं गांव में, जाइए कहीं गांव में एक बार घूमिए, देखिए क्या स्थिति है गांव का। कल हम दुमका से ही आ रहे हैं तो देखिए सड़क के क्या स्थिति है। दुमका से बासुकीनाथ का तक का ये परिस्थिति है कि सरकार का आँख ही बंद है, कुछ दिखता ही नहीं है सरकार को जो क्या सड़क का स्थिति है। और शिक्षा की बात करें तो 2019 का वोट हो रहा था उस समय सरकार का बहुत सारा वादा किए थे, लेकिन एक भी मेरे नज़र में नहीं देखे। किसान केसीसी लोन क्या बोले थे जो माफ़ होगा। एक दिन हम जब हम की केसीसी कैंडिडेट है, जब ब्लॉक गए, बैंक गए, वहाँ बोल रहे आपका जो क्या बोलते हैं उसको निकाल के दिया था सीएससी वाला पेपर, वहाँ देखते बोलते हैं ये पैसा आपका नहीं आया। बोले पेपर क्यों दिया मैडम? बोला पेपर तो दे दिया लेकिन सरकार अभी तक मेरे पास कोई पैसा नहीं भेजा। एक भी कैंडिडेट बैंक में हमको नहीं मिला केसीसी लोन माफ़ वाला। तो मैं बहुत सारे मतलब वहाँ कस्टमर थे तो सब यही केसीसी लोन के, किसी का तो क्या ऐलान किया, झूठ मूठ का ऐलान कर दिया है केसीसी लोन माफ़ हो गया, अभी तक तो नहीं देखें किसी का लोन माफ़ हुआ। और शिक्षा की बात करें, नियुक्ति वर्ष का तो दिसंबर 2021 पार हो गया, अभी तक तो कोई नियुक्ति वर्ष का कोई चांस ही नहीं। अब दिसंबर आ ही जाएगा, एक नेक्स्ट में तो लास्ट महीना है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि युवाओं के फेस में वो निराशा दिख ही रहा है लेकिन कुछ उम्मीदें भी हैं। अगर हम किसानों की बात कर लें तो क्या आपको लग रहा है? किसानों को तो बात जो भी कह रहा है वो तो सही ही कह रहा है। उसका बहुत आशा था कि जय अपना किसान कर्जा का कुछ माफ़ी होगा, और हम लोग भी उम्मीद रखे थे। जब कहीं कुछ जब नहीं हुआ, न रोड बना, न किसान का माफ़ी हुआ, न और कुछ भी हुआ, उसके बाद ही हम लोग जो धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं विपक्ष में, इसी कारण से यही जनता का आवाज़ जो सुन रहे हैं इसी की आवाज़ को हम लोग आगे पहुंचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो वो किसानों का जो परेशानी है वो परेशानी है? हाँ है भाई, इसलिए ना हम लोग आज धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसी की आवाज़ हम लोग अपना सरकार तक पहुँचाया। जो मेमोरियल जो राज्यपाल महोदय को जो दे रहे हैं, सरकार को जो भेज रहे हैं, इसी कारण से जनता का जो आवाज़ है उसी आवाज़ को हम लोग ऊपर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो लेकिन उम्मीद सर पब्लिक से होती है। क्या बताएंगे, क्या आपकी सरकार क्या काम है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बीजेपी की सरकार में वृद्धा पेंशन के बारे में कोई चीज़ नहीं मिल रहा था लोगों को,
आज ये हेमंत सोरेन और एलायंस की जो सरकार है ये 60 वर्ष से ऊपर जितना भी वृद्धा है सबको पेंशन देने का काम किया है। किसान के लिए खाद बीज ये सारी सुविधा समय से पहले हमारे मंत्री ने दिया है जो कि सर्वविदित है। इसके अलावा क्या गिनाएंगे आप, सरकार क्या ऐसा क्या काम किया है जो पिछली सरकार नहीं की? पिछली सरकार ने गरीबों के लिए जो 10 रुपया सोना सवरण योजना के द्वारा धोती साड़ी दिया जाता था वो बंद है। इस सरकार में गरीब के लिए धोती साड़ी 10 रुपया में वो भी देना शुरू किया। बहुत सारी योजना है, बिजली के बिल में जो है सो वो भी माफ़ी सूद में माफ़ी किया है। सरकार का तो विकास संबंधी काम जारी है। कोरोना जैसे महामारी में किस प्रकार केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारा पैसा रोक के रखा, जिस वजह से हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन अब फिर विकास की गति है जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। केंद्र हो या राज्य, ये कोरोना 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 ये अवसर बनकर आया है सरकार के लिए। क्या आपको लगता है कोरोना में विकास कार्य रुका था? कोरोना के चलते ऐसा विकास कार्य ज़्यादा कुछ नहीं रुका था, लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन काम कर रही है, ये चाचा जो बता रहे थे कि सरकार से हम संतुष्ट हैं या जो भी हैं, वो बिल्कुल भी हम उससे संतुष्ट नहीं। जिस प्रकार से सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है, अभी फिलहाल जब सरकार राज्य में नहीं थी, केंद्र अपने मतलब राज्य में नहीं थी, तब सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि जितने भी युवा हैं उनको या तो नौकरी मिलेगी या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक सरकार ना नौकरी के बारे में, युवाओं के बारे में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचती है। JPSC का फिलहाल अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी धांधली पूरी तरह से दिखाई दे दी गई। कहीं से रिजल्ट जो है एक जगह से बहुत सारा आ गया है और कहीं से उसके एवज में जो भी धरना प्रदर्शन किया गया विद्यार्थियों द्वारा, तो उस पर सरकार ने लाठीचार्ज करने का काम किया है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार के रहते पुलिस वालों पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, इससे बड़ी और शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। और जहाँ तक चाचा बता रहे थे कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, ठीक है, हेमंत सोरेन को भी खुद आगे आकर के सारा चीज़ करना चाहिए जो कि हो नहीं पा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार बनने से पहले उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार लोगों को पक्का मकान के लिए 1.5 लाख रुपया दे रही है। हेमंत सोरेन ने कहा था हम 3 रूम वाले बेडरूम देंगे, इसमें चाचा भी रहेगा, भतीजा भी रहेगा और बेटा बाप सब रहेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। आज स्थिति इतना दुर्लभ हो गया झारखंड का कि हेमंत सोरेन खुद चाईबासा या कहीं पे कहते हुए नज़र आ रहे थे कि अगर पैसा नहीं मिल रहा तो आप मकान के ऊपर खपड़ा डाल लें, ये स्थिति हो गया पक्का मकानों का। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलते रहेगा। फिलहाल जो है सुरक्षा की बात कर लें, अगर झारखंड में सुरक्षा की हम बात कर लें तो कितने सुरक्षित हैं? महिला तो सबसे पहले एकदम 0% सुरक्षित है। यहाँ जो स्थिति है महिलाओं की, रोज रेप, रोज हत्या, ऐसा मतलब घटना आए दिन सुनने में आ रहा है। कुछ दिन पहले ही आप देखे दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई सारवा में 2 आदमी की, फिर दूसरे दिन देखते हैं वही चीज़ सुनने में आ रहा है। मतलब आदमी और जो मतलब जनता जो है कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, और सरकार को ये चाहिए कि जो पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह से उनको कोऑपरेट करके सबको जनता को मतलब सुरक्षित करना चाहिए, और इस तरह से मतलब घटना नहीं होगी, कभी भी इस तरह की घटना नहीं होगी। अधिकारियों में क्या कमांडिंग है पहले की सरकार में और अभी की सरकार में, या फिर वर्तमान सरकार की ही बात कर लें तो कमांड पहले अधिकारी भाजपा शासन में हमने सुना था कि थर थर कांपते थे, लेकिन अब अधिकारी जो है मतलब वही बड़ा बाबू और ये बन के बैठे हुए हैं, वही लगते हैं मुख्यमंत्री हैं। आपका स्थापना दिवस 15 नवंबर को हुआ, उसके बाद से हर पंचायत में बूढ़ा बूढ़ी जितना भी है पूरा दरखास्त दे रहा है, स्वीकृति भी हो रहा है पेंशन के लिए, और उधर 5 साल तक तो एक भी आदमी को पेंशन नहीं मिला। ये बताइए कि अभी जो सरकार लगा रही है कैंप लगा कर काम, हाँ, कर रही है, कितना काम हो रहा है कैंप में? प्राय अभी जितना भी देहात का आदमी है दरखास्त दे रहा है और उसमें कुछ स्वीकृति भी मिल रही है। अच्छा, सुरक्षा को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो पहले जैसे सिस्टम था, ठीक है, 112
112 पे पुलिस आती थी, या सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं तो क्या सुरक्षा? सुरक्षा तो हम लोग देहात में एकदम शांत से अभी भी हैं और पहले भी थे, अभी भी हैं। देहात में किसी तरह का असुरक्षित हम लोग यहाँ का आदमी नहीं है। ऋण माफी हो गया आपका? ऋण माफी, ऋण तो हम लोग को मिला ही नहीं है, तो माफी क्या होगा? ऋण उन्हीं लोगों को मिला है जो बैंक में दलाली करके, सुनिए ना जी, बैंक में दलाली जो करता है उन्हीं लोगों को ऋण मिला है, गरीब को कहीं नहीं मिला है। तो अभी दलाली नहीं हो रहा है? अभी तो हम लोग यही तो सरकार के दिन से बैठे, क्या 8-9 राजनीति पे, राजनीति पर नहीं है, व्यक्तिगत बात पे, व्यक्तिगत। हाँ ठीक है, अभी ऋण हम लोग विशेष कर नहीं लेते हैं। अच्छा, मतलब लोगों से मैसेज आता होगा ना, लोगों की हम बात, लोगों की बात आपको बताते हैं, अभी किसान की बात आपको बताते हैं। हम लोग हर घर घर में किरासन तेल वाला मशीन लिए थे, जो अपना पति पत्नी ढो करके ले जाता था और पटवन करता था। अब किसान के यहाँ किरासन तेल ही नहीं मिलने लगा, ये समस्या है। और इसके बाद बीच में ये जो दिया गया था गैस, खाना बनाने के लालच में अभी सब घर में गैस बंद है, हम लोग ललाते हैं कैसे ये गैस क्या करेंगे, फिर वही पहला वाला हम लोग पहला से खाना बना रहे हैं। बिजली जलाते होंगे ना? हाँ बिजली जलाते हैं। पहले कितना समय? हाँ बिजली अभी समय पर मिल रही है, जितना पहले से अभी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, चलिए कैसे नहीं, हमारा गांव बिजली का स्थिति इतना अभी खराब है, खासकर हमारे यहाँ जरमुंडी प्रखंड में, कि बिजली कब आती है कब जाती है इसका कोई गारंटी नहीं। और ये चाचा जो बता रहे कि देहात है, ठीक है, देहात में जरूरत बिजली का कम 5 बजे से 7 बजे तक रहता है, उसी टाइम बिजली काट दिया जाता है, ये स्थिति है यहाँ का। आप सारे जनता से पूछ सकते हैं, अभी 5 से 7 ही बिजली कटता है, सोने के बाद बिजली आदमी क्या करेगा यहाँ? और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समस्या का जस का तस है, लेकिन समस्या का समाधान कुछ तो हुआ है। लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो दुमका जिला अभी सेफ जोन में नहीं चल रहा है, इस पे गंभीरता पूर्वक सरकार को लेनी चाहिए। वहीं अगर ऋण माफी की हम बात कर लें तो वहां भी बंदरबाट का सिलसिला बरकरार है।